तो हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमारे जो हीरोज़ होते हैं वो स्नोबेल सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। जहाँ पे हमारे जो हीरोज़ होते हैं वो एक पोकेमोन सेंटर में रुकते हैं, और जो ऐश है वो अपने पोकेमोन का मतलब जो चेकअप है वो कराता है। और वहीं तरफ जो सरीना होती है वो ईवी के जो हेयर से उनको ब्रश कर रही होती है, जिस पे जो पेंचम और ब्रैक्सन होते हैं उनकी लड़ाई हो जाती है कि अगला कौन है। तो इस पे सरीना कहते हैं कि मैं तुम दोनों के बाद हेयर भी ब्रश कर दूँगी। तो इसी के बाद जो सरीना है वो उनके भी बाल ब्रश कर देती है, और उसी के बाद वो वहाँ पर नोटिस करती है कि कंप्यूटर है। तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं इस पर थोड़े पोके विजन की वीडियो देख लूँ। तो जैसे ही वो उस पर लॉग इन करती है तो उसको एक मैसेज आता है, और उस मैसेज में जो पियर्स पियर होता है जो होस्ट होता है पोकेमोन डांस पार्टी का, उसका मैसेज आया होता है जिसपे जो बॉनी और जो क्लेमेंट हैं वो भी उसके बारे में सुन के सरीना की मतलब सरीना को ज्वाइन करते हैं। और उसमें जो पियर है वो बताता है कि जो नेक्स्ट शोकेस होने वाला है उसमें जो मतलब कौन जो कंटेस्ट होगा वो डांस पार्टी का होगा, और उसमें जो लोग हैं मतलब जो भाग लेंगे उसमें उन्हें एक पेयर बना के आनी पड़ेगी, एक मेल पेयर और फीमेल पेयर, और वहाँ फिर उनकी डांस पार्टी होगी। तो उसी पे जो सरीना है वो ऐश की तरफ़ देखकर मतलब एकदम ब्लश कर जाती है। और उसी के बाद वो फिर दोबारा उस वीडियो को देखते हैं जिसपे जो पेयर है वो अनाउंस करता है कि जो आर्या है जो अभी जो आर्या है वो भी उस पार्टी में मौजूद होगी। और जो आर्या है वो सबको विश करते हैं कि वो पार्टी अटेंड करे। और उसी के बाद जो वीडियो है वो ख़त्म हो जाती है, और जो सरीना है वो डिसाइड करती है कि वो उस पार्टी को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करेगी। और वो ईवी को भी कहती है कि ये हमारे लिए अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, तो हमें साथ ही जाना चाहिए। और इसी पर जो क्लेमेंट है वो कहता है कि इसमें पोकेमोन को भी एक पेयर की मतलब पेयर बन के जाना है, तो वो अपने बनलबी को ईवी का जो है वो पार्टनर बनाता है। और उसी के बाद जो हमारे हीरोज़ हैं वो अपना टास्क कंप्लीट करते हैं, और जो सरीना है वो बॉनी और क्लेमेंट को देखती है और उनको कहती है कि तुम भी पार्टी में आ रहे हो। तो इसी पे जो क्लेमेंट है वो थोड़ा डर जाता है, बट जो ऐश है वो उसको इंस्पायर करता है कि तुम्हें भी जाना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए। तो इसी के बाद जो सरीना है वो ईवी को मतलब एक तरह से ऐसी कह रही होती है कि हम भी ज़रूर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। और उसी के बाद जो हमारे हीरोज़ हैं वो मतलब उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो पार्टी जो है वो होने वाली होती है। और हमारे जो हीरोज़ हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आ रहे, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें जो क्लेमेंट है वो नर्वस हो जाता है। और जो सरीना है वो क्लेमेंट को थोड़ा मतलब ऐसा ही कहती है कि क्लेमेंट कुछ नहीं होगा, हम ज़रूर से ज़रूर मतलब इधर से ज़रूर अपना बेस्ट देंगे। फिर उसी के बाद तभी वहाँ पे मियट जो है वो आ जाती है, और वो सरीना के कान में ऐसी फुसफुस करके बोलते हैं कि ऐश क्या इस डांस पार्टी में जो ऐश है वो तुम्हारा पार्टनर नहीं है। तो इस पे जो सरीना है वो थोड़ी देर शॉक हो जाती है, बट जो मियट है वो उनको ग्रीट करती है और वो मतलब बताती है कि वो भी इस डांस पार्टी को ज्वाइन करने वाली है, बट उसके पास अभी कोई पार्टनर नहीं है। तो इसी पे जो मतलब मियट होती है वो ऐश को अपना पार्टनर बनाने के लिए मतलब पार्टनर बनने के लिए कहती है, जिस पे जो सरीना है वो शॉक हो जाती है, और ऐश जो है वो भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। जिस पे उस नीचे जो मियट का पोकेमोन स्लर्पअप होता है वो भी पिकाचू को मतलब ले जाता है अपना पार्टनर बना के। और वहीं दूसरी तरफ जो उसी के बाद जो ऐश और जो मियट होते हैं उनकी एक पार्टनर टीम होती है, और उसी के बाद जो सरीना होती है सरीना और जो क्लेमेंट है उनकी एक पेयर होती है, जिसपे जो सरीना है वो उतनी ज़्यादा खुश नहीं होती। और वहीं दूसरी तरफ जो टीम रॉकेट होती है वो भी अपना बेस बदल के वहाँ आ रखी होती है, जिसपे जो जैसी है वो मतलब वही पार्टी जीतने के बिल्कुल एकदम फुल्ली मकसद से आई होती है, और पिकाचू को पकड़ने का पूरा मतलब उसको जो उनका चांस है उसको मिस कर देती है कि आज मुझे पिकाचू नहीं पकड़ना, मुझे ये जो कॉन्टेस्ट है वो जीतना है। और वहीं दूसरी तरफ जो मतलब वहीं जो जैसी होती है वो जेम्स को अपना पार्टनर बना के ले जाती है, और वहीं उसी कासल के अंदर जहाँ पे वो पार्टी होने वाली होती है हमारे हीरोज़ जो हैं वो वहाँ जाते हैं और उस पार्टी के लिए जो है वो रजिस्टर कर देते हैं, और उनको एक कार्ड मिलता है मतलब एक तरह से आईडी मिलती है जिसको वो यूज़ कर पाएंगे अपनी जब वो कॉन्टेस्ट स्टार्ट होगा तब। फिर उसी के बाद जो मियट होती है और जो सरीना होती है वहाँ जाते हैं अपनी ड्रेस को सेलेक्ट करने हैं, जिस पर मियट जो है वो काफ़ी सारी ड्रेस जो है सेलेक्ट करके ऐश को पकड़ने के लिए कहती है। और फिर उसी के बाद जो सरीना है उनको देख के मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब वही हो जाती है कि ये क्या हो गया। और फिर उसी के बाद जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो एकदम ड्रेसअप होकर वहाँ उस कासल में हॉल में जहाँ पे वो डांस पार्टी होने वाली होती है वहाँ पे आ जाते हैं, और तभी जो उस शो का होस्ट होता है पीएस वो आर्या को लेके आता है और सबको मतलब एक तरह से ग्रीट करता है उस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए। और फिर आर्या जो वहाँ की कालोस क्वीन होती है उसको इंट्रोड्यूस कराता है, जिसपे जो आर्या है वो भी उन सबको बेस्ट ऑफ लक बोलती है। और जो आर्या और जो पियर होते हैं वो वहाँ नीचे स्टेज पे आते हैं, और उनके जो पोकेमोन होते हैं क्लेफ्की और डेलफोक्स वो भी वहाँ पे आते हैं। फिर वो अपना एक तरह से जो मतलब जो आर्या और जो पियर्स होते हैं वो एक तरह से आप जैसे कह लो कि एक छोटा सा जो डेमो देते हैं एक डांस पार्टी का कि किस तरीके से जो
जो कॉन्टेस्ट है उसमें जो पार्टिसिपेंट हैं उनको किस तरह से डांस डांस करना है, जिसपे जो हमारे हीरोज़ हैं वो उनको ही देख रहे होते हैं। और जो क्लेमेंट होता है वो काफ़ी मतलब नर्वस होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने कभी ऐसे ही डांस पार्टी नहीं करी थी, ऑब्वियसली ऐश ने भी नहीं करी थी, बट जो क्लेमेंट था वो इस पर थोड़ा सा नर्वस था। फिर उसी के बाद जो मियट होती है वो ऐश को खींच के ले जाती है डांस के लिए, और जो सरीना है वो भी क्लेमेंट को ले जाती है, बट जो क्लेमेंट होता है वो थोड़ा नर्वस होता है। और उसी के साथ जो ईवी और जो वनल भी होते हैं वो भी वहाँ चले जाते हैं डांस के लिए, और जो स्लर्पफ और पिकाचू होते हैं वो भी चले जाते हैं। और इसी के बाद जो क्लेमेंट होता है वो मतलब थोड़ा नर्वस होता है, तो वो अच्छे से डांस नहीं कर पाता सरीना के साथ। वहीं दूसरी तरफ जो ईवी है और जो वनल भी है वो भी ईवी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है, और बनल भी की मतलब इर्द गिर्द घूमती रहती है। और वहीं दूसरी तरफ जो स्लर्पफ और जो पिकाचू होते हैं वो भी अपना वेव डांस कर रहे होते हैं, बट वहीं दूसरी तरफ जो ऐश होता है और जो मियट होता है वो बिल्कुल भी डांस नहीं कर पाते। ऐश जो है वो हर बार मतलब गलती पे गलती कर रहा होता है, और एट द एंड जो ऐश है वो मतलब ऐश का जो सर है वो मियट के सर से टकरा जाता है, जिससे वो दोनों को मतलब एक्सीडेंटली चोट लग जाती है। और जो ऐश है वो इसके लिए मतलब माफ़ी मांगता है, और जो सरीना है वो वही देखती है कि जो ईवी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, तो उसी पे वो मतलब वो यही नोटिस करती है। और वहीं दूसरी तरफ जो जैसी होती है वो जेम्स के साथ डांस करती होती है, और दूसरी तरफ जो म्याउथ और जो वावा फिट होते हैं वो वहीं अपने खाने पे ध्यान देते हैं। और उसी के बाद जो सरीना है वो सभी को यही देख रही होती है कि सारे जो है वो कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, पर हमें जो ये शो है वो जीतना ही है। तभी जो पियर्स है जो शो का होस्ट है वो शो को रोक देता है और सबको एक सर्कल बनाने को कहता है, और कहता है कि इसमें जो है वो पार्टनर्स चेंज हो गए और तब देखेंगे कि कौन जो है कितना अच्छा डांस करता है। तो इसी पे जो सारे पार्टिसिपेंट होते हैं वो अपना अपना पार्टनर चेंज करते हैं, और देन उसके बाद उनके जो डांस परफॉर्मेंस होती है वो अगेन स्टार्ट हो जाती है। देन इसी के बाद जो सरीना है वो देखती है कि जो ईवी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, और वो हर किसी पोकेमोन के साथ जो भी उसका पार्टनर आ रहा है उसके साथ काफ़ी अच्छे से जो डांस कर रही है। तो इसी के साथ जो सरीना है वो भी मोटिवेट हो जाती है, और वो भी अपने नेक्स्ट जो डांस के लिए है मतलब चली जाती है, जिसपे जब भी जो ऐश होता है उसका जो नेक्स्ट पार्टनर होता है वो आती है आर्या, और वो ऐश को कहती है कि ऐश ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस रिलैक्स करो और अपना बेस्ट दो। सो इसी पर जो ऐश है वो ओके करता है। और वहीं दूसरी तरफ जो सरीना है उसका पार्टनर होता है जेम्स, जो मतलब थोड़ा सा एक तरह से मतलब नर्वस रहता है कि एक तरह से कहीं ये मेरे को पहचान न ले और ये मेरे साथ क्या हो गया। और दूसरी तरफ जो पियर्स होता है उसकी जो डांस पार्टनर होती है वो मियट होती है, और मतलब जो पियर है वो बताता है कि मियट तुमने काफ़ी अच्छा डांस किया, तो वो उसको वहीं थैंक यू कहती है। और इसी तरह जो डांस पार्टी है वो चलती रहती है, और जो तभी सरीना है वो देखती है कि उसका जो नेक्स्ट डांस पार्टनर है वो ऐश है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और उनकी जो पार्टनर है वो चेंज होने ही वाले होते हैं। तभी जो पियर्स है वो कहता है कि जो मतलब ये वाला राउंड है ये ख़त्म हो गया, जिसपे जो सरीना है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, और मतलब ये सोचती है कि यार ये मौका कैसे मेरे हाथ से चला गया। और उसके बाद जो पियर है वो नेक्स्ट राउंड टैग बैटल के लिए मतलब सबको कहता है कि जो नेक्स्ट राउंड है वो होने वाला है टैग बैटल, जिसमें जो दो तरह के जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे से बैटल करेंगे अपने पोकेमोन के साथ। तो इसी पे जो पेयर्स है वो बताता है कि जो पार्टनर है वो रैंडमली सेलेक्ट होंगे, बस उन्हें जो अपना आईडी कार्ड जो उन्हें दिया गया है उसको देखना है, और उसमें उनको जो उनका पार्टनर है वो अपने आप दिख जाएगा कि उनका जो नेक्स्ट पार्टनर है वो कौन होने वाला है बैटल के लिए। तो इसी के बाद जो पेयर्स है वो इस बैटल को स्टार्ट कर मतलब इस जो कॉन्टेस्ट है राउंड को है वो स्टार्ट कर देता है। और जो सबसे पहले जो हमारे मतलब सबसे पहले जो बैटल होती है वो होती है ऐश एंड सरीना वर्सेस क्लेमेंट सॉरी मियट और जेम्स के बीच। और वहीं तरफ जेम्स जो है वो मतलब उतना ज़्यादा खुश भी नहीं होता, और जो ऐश है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि इसमें जो है वो एक बैटल राउंड भी है। और वहीं दूसरी तरफ जो जैसी और म्याउथ होते हैं वो जेम्स को मतलब एक तरह से धमका रहे होते हैं कि तुम्हें हारना नहीं है हारना नहीं है। और इसी के बाद जो पिकाचू है वो क्विक अटैक के साथ जो है बैटल को स्टार्ट करता है, और जो स्लर्पफ है उसको हिट करता है। उसी के बाद जो स्लर्पफ है वो एनर्जी बॉल का इस्तेमाल करता है, बट जो ईवी का स्विफ्ट है वो उसको काउंटर कर देता है। और उसी के बाद जो एंकी है वो साइबीम का अटैक करता है, और पर जो पिकाचू है उसके अटैक को अवॉइड कर देता है मतलब एकदम से डॉच कर लेता है। और एकदम से उसके बाद ही आयरन टेल से जो एंकी है उसको हिट कर देता है, जिसपे जो क्लेमेंट है वो नोटिस करता है कि ईवी जो है वो अब मतलब उतनी ज़्यादा है मतलब डर नहीं रही है और काफ़ी अच्छे से बैटल कर रही है। तो उसी के बाद जो मियट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस जाती है, और वो जेम्स को बताती है उसके प्लान के बारे में। तो इसी के बाद जो एनकी है वो साइबीम का अटैक करता है, और पिकाचू और जो ईवी है वो अटैक को डॉज कर लेते हैं, बट तभी जो स्लर्पफ होता है वो कॉटन स्पोर का अटैक करता है, जिससे वो पिकाचू और जो ईवी है उसकी मूवमेंट को एक तरह से रोक देता है। और उसी के बाद जो एनकी है वो अगला साइबीम का अटैक करता है, जो पिकाचू और ईवी दोनों को हिट कर देता है और दोनों को नॉकडाउन कर देता है। और जो जेसी है
वो जेम्स को मतलब ऐसा देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये जेम्स जो है अब इनको हराने वाला होता है। फिर उसी के बाद जो एंकी है वो पिकाचू पे टैकल करने ही वाला होता है, बट जो ईवी है वो उसको बचा लेती है, और मतलब पिकाचू जो है वो काफ़ी घायल होता है, जिस पे जो ईवी है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो इसी के बाद जो ईवी है वो स्विफ्ट का अटैक करती है, बट ईवी का जो अटैक है वो कोलाइड कर जाता है, और उसी के बाद जो स्लर्पफ है वो एनर्जी बॉल का अटैक करता है, और जो एंकी है वो अपने साइबीम का, बट जो अटैक होता है वो एंकी का काफ़ी पावरफुल होता है, तो वो ईवी को हिट कर जाता है। और इसी के बाद जो सरीना है वो देखती है कि जो ईवी है वो भी बहुत बुरी तरह घायल हो गई है, तो इसी के बाद जो पिकाचू है वो ईवी को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोबॉल का अटैक करता है। और वहीं दूसरी तरफ जो आर्या होती है जो ये बैटल देख रही होती है वो भी सरीना और ईवी के लिए मतलब एक तरह से वरीड होती है। और उसी के बाद उसी के बाद जो पिकाचू है वो फिर से थंडरबोल्ट का अटैक करता है, बट जो स्लर्पफ का एनर्जी बॉल है वो उस अटैक को मतलब डॉच कर देता है, और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जिसपे जो सरीना है उसको लगता है कि अब ये बैटल हम नहीं जीत पाएंगे, बट तभी वो उसको मतलब कुछ याद आता है कि उसको एक बहुत ही मतलब खास पर्सन ने बताया था कि जो स्माइल है वो तुम्हें स्ट्रेंथ देती है, और कभी भी मतलब स्माइल करना मत छोड़ना। तो इसी पे जो सरीना है वो ईवी को देख के स्माइल करती है, और ईवी मतलब ईवी के लिए स्माइल करती है, और तभी जो एक मतलब ईवी से एक ग्लोइंग रिबन जो है वो सरीना के हाथ को जो है वो मतलब एक तरह से रैप कर देता है, और ईवी जो है उसके बाद मतलब स्टैंड अप कर जाती है और इवॉल्व हो जाती है सेवियन में। और इसी के बाद जो सरीना है वो मतलब ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती हैं, और जो बाकी के होते हैं वो भी ऑब्वियसली शॉक हो जाते हैं, जिस पे जो सरीना है वो ऐश और पिकाचू के सपोर्ट को थैंक्स करती है। और इसी के बाद नेक्स्टली जो स्लर्पफ होता है वो एनर्जी बॉल का अटैक फिर से कर देता है, बट जो सेवेलियन होती है वो अपने फेरी विंड से उस अटैक को ब्लॉक कर देती है, और जेम्स जो है वो मतलब जेम्स को लगने लग जाता है कि वो जो है वो हारने वाले हैं, तो वो इनकी को टैकल इस्तेमाल करने के लिए कहता है, टैकल इस्तेमाल करने के लिए कहता है सेल्वियन पे, बट जो सेल्वियन है वो उसके अटैक को काफ़ी मतलब एक तरह से काफ़ी खूबसूरती से डॉच कर देती है, और उसी के बाद फेरी विंड का अटैक कर देती है, जिससे जो सेवेलियन है वो एनकी और स्लर्पफ दोनों को वहाँ से ब्लो ऑफ कर देती है, और इसी के साथ उन दोनों को हरा देती है। और इस राउंड के जो हमारे विनर्स होते हैं वो होते हैं ऐश और सरीना। तो उसी के बाद जो पेयर है वो डिक्लेयर कर देता है कि जो ऐश और सरीना जो है वो विनर हैं, और सब लोग जो हैं उनके लिए क्लैपिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसपे जो ऐश क्लेमेंट और बोनी है वो सरीना और सेल्वियन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उनकी जीत के लिए, जिसपे जो क्लेमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि जो सेल्वियन है वो ईवी का कोई नॉर्मल एवोल्यूशन नहीं है, वो एवोल्यूशन तब होता है जब उसके और ट्रेनर के बीच का जो बॉन्ड है वो एक एक्सेप्शन हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो इसी पे जो सरीना है वो भी कहती है कि मुझे ये नहीं पता था, तो वो उनको थैंक्स कहती है। और वहीं दूसरा जो जेम्स है वो वापस जैसी और म्याउथ के पास जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और वहीं खाना भी ठूस रहे होते हैं। तो उसके बाद जो पियर्स है वो वहाँ पे आता है, और वो अनाउंस करता है कि जो नेक्स्ट शोकेस होने वाला है वो होता है फ्लेयर सिटी में, जहाँ पे जो मियट है वो सरीना को काफ़ी इंस्पायरिंग तरीके से कहती है कि हम इसको नेक्स्ट राउंड में जो है वो सेटल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो आर्या है वो पलेमरो से बात कर रही होती है, जिसपे वो यही बता रही होती है इस कॉन्टेस्ट के बारे में क्या हुआ, जिसपे जो पलेमरो है वो बताती है कि उसको कोई मिल गया है जो आर्या तुम्हें रिप्लेस कर सकता है, और वो अभी बिल्कुल वैसी है जैसे तुम हो। तो इस पे जो आर्या है उसको पता नहीं होता कि पलेमरो किसकी बात कर रही है, तो वो यही पूछने वाली होती है, तभी जो आर्या है उसको मतलब एक कॉल आ जाता है, मतलब उसको बुलाते हैं किसी काम के लिए, तो वहाँ से चली जाती है पलेमरो को फेयरवेल करके। वही दूसरी तरफ जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो भी अपनी जर्नी पे वापस चले जाते हैं, जिसपे जो ऐश बोनी और क्लेमेंट हैं वो देखते हैं कि जो सरीना है वो मतलब पीछे जो एरिया आर्या की एक मतलब वहाँ पे पोस्टर या आप वीडियो कह लो वो होती है उसको देख रही होती है, तो उसको सरीना को बुलाते हैं, जिसके बाद जो सरीना है वो उनको ज्वाइन करती है, और